विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन और यहाँ पर विपक्ष लगातार युवाओं के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं, जहाँ विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ पर सरकार युवाओं को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है। बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर जो CGL जैसी CGL परीक्षा में CBI जांच की मांग थी, उससे सरकार लगातार इनकार कर रही है। यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। वहीं सरकार इस बजट के माध्यम से केवल और केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है। आप भी देखिए कि किस तरह से विधानसभा के बाहर यहाँ पर विपक्ष का विरोध लगातार जारी है और किस तरह से वह सरकार के द्वारा कल जो बजट पेश किया गया है उस पर अपना विरोध जता रही है। मुद्दा मेरा एक ही है कि JSSC फेयर एग्जाम कंडक्ट करे। मुद्दा मेरा एक ही है कि JPSC से लेकर JSSC के तमाम परीक्षाओं के जो है CBI जांच हो। यदि ये सरकार ये नहीं करती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब मैं कहूँगा कि दाल ही पूरा काला है। यहाँ के जो सरकार है वो युवाओं को नौकरी देने के लिए एकदम सीरियस नहीं दिख रहे हैं। इससे बड़ा मुद्दा, इससे ज्वलंत मुद्दा और प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। इसी की मांग हम लोग पुनः आज फिर विधानसभा में रखेंगे। ये जो संघर्ष है, उस संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और यह संघर्ष है जो जिस प्रकार से नौजवानों का रोजगार सृजन की दिशा में ये सरकार लगातार भ्रमित करने का काम किया है। JSSC की परीक्षा में धांधली जो हुई है उसकी CBI जांच कराने की मांग, अभी कल ही सरकार ने अपना चुनावी बजट पेश किया और उस बजट में किसी भी रूप में प्रदेश के नौजवानों के बारे में, उनके स्किल्ड के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। तो ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के हम सदन के बाहर और सदन के अंदर युवाओं की भावना को, अबुआ आवास के बारे में हमने ही आज प्रश्न लाया है। सरकार सीधे मुंगेरी लाल के हसीन सपने के साथ ये राज्य की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है और इस प्रकार के जो सत्ता संरक्षण में भ्रष्टाचार चल रहा है, इन सारे विषयों को हम सदन के अंदर लाए। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।